हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। हम खड़े हैं रायसेन की सबसे पास कॉलोनी यशवंत नगर में। यहाँ के नागरिकों का कहना है कि यहाँ की रोड की बड़ी समस्या है। यहाँ अभी ये रोड मुश्किल से 4 या 5 साल पहले बना था, लेकिन आप देख रहे होंगे पूरा रोड टूटने लगा है। वहीं बरसात में यहाँ पर पानी भर जाता है। अब हम यहाँ के नागरिकों से बात करेंगे कि उनकी क्या मांग है, वो क्या चाह रहे। रोड चाहिए। रायसेन नगर की यशवंत कॉलोनी तो बहुत अच्छी कॉलोनी मानी जाती है और इसकी सड़कों की दुर्दशा बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर बरसात में पानी भर जाता है और ये 5 साल पहले रोड बना था, आज उसके बाद कोई इस पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है और इसका एंट्रेंस इतना ख़राब है कि जहाँ गाड़ी चढ़ना तक मुश्किल है। तो नगर पालिका कोई इस पर ध्यान आकर्षित नहीं करती और कहते हैं कि इसका वर्क ऑर्डर हो गया है, तब हो गया और आज तक अभी कोई काम नहीं किया गया है। आपने पार्षद से भी कहा था, पार्षद जी कहते हैं हाँ साहब देखता हूँ, CEO में नगर अध्यक्ष मोदी सुन नहीं रहा है, फलान नहीं कर रहा है, तब अपनी अपनी कहानी गाते हैं। क्या नाम है आपका? दीपू अग्रवाल। अभी हम एक और सबसे मिले हैं, क्या परेशानी है आपकी? काली दुकान है, मेरी मेडिकल स्टोर है और 2 साल हो गए हैं नगर पालिका को बने हुए और अभी तक पार्षद जी ने यहाँ पे आके चेहरा तक नहीं दिखाया है कि मतलब कैसा क्या होता है यहाँ पर। पानियों की आप देख सकते हैं, पूरा नालियों की कोई व्यवस्था नहीं है, पूरा पानी यहाँ पे भरा रहता है रोड का। बरसात में गाड़ियाँ निकलने के लिए जगह नहीं है और पीछे आप देखेंगे कितना ज़्यादा ऊँचाई है, गाड़ियाँ खूब टकराती हैं यहाँ पर, लोगों का खूब नुकसान भी होता है, लेकिन कोई सुन लेने वाला नहीं है यहाँ पर। हम एक व्यापारी से और मिलेंगे, क्या परेशानी है आपको? यहाँ पर नालियाँ व्यवस्था, पानी भर जाता है, जब बरसात आती है पानी भर जाता है। रोड निकलने में और यहाँ के व्यापारियों को व्यापार करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस रोड की ऊँचाई, इस रोड को ऊँचा किया जाए जिससे कि नागरिक इसमें बारिश में भी सही तरीके से निकल सकें। ये रोड बनना चाहिए, अब देखना यह है कि पार्षद जी क्या जवाब देते हैं, इसके बाद नगर पालिका CEO हमें क्या जवाब देती है। मैं